सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मैरिज पर, क्योंकि अभी आने वाली है बारात। तो आई थिंक बारात आ चुकी होगी, बट स्टिल मैं आपके लिए सब कुछ शूट करूंगी। मैंने अपने जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह उनको बोला है कि वो शूट कर ले। अभी बारात आएगी और हमारा रह गया विदाई। ठीक है, तो फिर जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मैरिज में ही मिलती हूँ। हाँ, एक और बात गाइस, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो गाइस लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। और एज यूजल मैं आपको बोलती हूँ, आप चाहते हो कि आप मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक आए जो भी मैं व्लॉग्स डालती हूँ, सो प्लीज़ जो उसमें बेल आइकन दिया है ना, उसको हिट करना ना भूलिए, इससे सारी नोटिफिकेशन आप तक आएगी। अब मैं जा रही हूँ फिर से मैरिज में। ये देखिए, हाय हाय पप्पी, साथ ही पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरा बॉक्सर भी आ रहा है। ये देखो, ये साथ ही भागा है मेरे पीछे पीछे। ये देखिए मेरा बॉक्सर। कम बॉक्सी, कम कम कम। अभी मैंने जैसे अभी हमने अपनी जो बुलेट है पीछे लगा दी है, अब यहाँ से बुलेट आगे नहीं जाती है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है हमें। अब हम पहुँचने वाले हैं, देखिए वही रास्ता, वही फील्ड, और आपको साउंड भी आ रही होगी म्यूजिक की। व्हाट अ ब्यूटी गाइस, ये है हिमाचल। हाय बॉक्सी। बस चलो 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 ना, जिंदगी हो गया हूँ। साढ़े नौ बजे बोला क्या। अपनी न्यारी याद शादी है। पर देखिए दूल्हा मंगलसूत्र पहना रहा है। मंगलसूत्र
यहाँ पे बहुत सारी विक्टिम मीडिया की जाती है। इस तरह से जो खाना दिया जाता है गाइस, इसमें क्या होता है, देखिए बिल्कुल भी आराम से खाना दिया जा रहा है ना, और वेस्टेज का तो नाम ही नहीं है। जितना लोगों को खाना है वो उतना ही लेते हैं, और सारी वेजिटेबल, सारी सब्जियों का, सारी जितने भी यहाँ पे डिशेस बनाई है सबको अच्छे से इंजॉय करते हैं। और शहरों में जैसे कि स्टैंडिंग सिस्टम होता है, और भी मतलब बहुत वेस्ट होता है, लोग पूरी प्लेट भर के ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट करते हैं। इट्स नॉट गुड गाइस। गाइस जब दुल्हन की हमारी विदाई होगी तो उसको इस डोली के अंदर ले जाएंगे, इसे कहते हैं डोली। तो इसमें हमारी जो दुल्हन है उनकी विदाई होगी। भैया फोटो खींचो, फोटो फोटो फोटो। देखिए फ्रेंड विदाई होते हुए, आज है मैरिज का थर्ड डे। तो गाइस जैसे कि कल विदाई हो चुकी थी, तो पहाड़ में हमारे एक और ट्रेडिशन ये होती है सौंपनी की। तो आज हम जा रहे हैं सौंपनी के ट्रेडिशन, ये मैं आपको वहीं पर दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है सौंपनी में, इसके डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं लड़के वाले के, लड़कों के घर जा रही है लड़के वाले सौंपनी के लिए। ये है बच्चा पार्टी। तो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे इतने सारे लोग, ये गाइस ये सारे हैं लड़की की तरफ से। तो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं सौंपनी, ये एक और रस्म है जो कि हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये अभी पहले विदाई के बाद होती है गाइस ये वाली जो सौंपनी है, तो अभी हम करने जा रहे हैं सौंपनी। और ऊपर है, पहुंच चुके हैं हम लड़की वालों के घर, हम नीचे अभी कुछ लोग नहीं आए हैं तो उनकी वेट कर रहे हैं। तो अब मैं मिलती हूँ डायरेक्ट आपके लड़कों वालों के घर। Thank you.
इधर देखना ये आपने सामने यस देखिए गाइस यहाँ पर सब अपना फूड एंजॉय स्नैक्स एंजॉय करते हुए फूड तो नीचे लगा हुआ है उसका स्टॉल, यहाँ सिर्फ स्नैक्स का स्टॉल लगा हुआ है। तो गाइस हम टोटली एंजॉय कर रहे हैं फूड। अब हमारी जो कंपनी होती है ना, जो रस्म होती है, अब वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि तब तक कुछ खाने में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी पहाड़ी वेडिंग जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। इसमें इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एडिट करती हूँ और मिलती हूँ जल्दी आपसे न्यू ब्लॉग। पहाड़ी